वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, तुहाडा सारिआं दा स्वागत है A1 टर्बन ट्रेनिंग सेंटर दे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दे विच, जिहड़ा कि यूट्यूब दा पहला वेरीफाइड दस्तार सिखलाई चैनल है एंड जित्थों तुसीं दस्तारां दीआं अपनीआं मनपसंदीदीआं वीडियोज़ देख के अपनी दस्तार दे विच सुधार करदे रहिंदे हो। इत्थों तुसीं बेस्ट क्वालिटी कॉटन का कपड़ा भी लै सकदे हो, जिहड़ा कि गरंटी वाला कपड़ा हुंदा है एंड डबल वॉश कपड़ा हुंदा है, जिहड़ा कि बिना मावे तो हुंदा है। एंड इह कपड़ा असीं पूरे वर्ल्ड दे विच किसी भी शहर, किसी भी देश, किसी भी पिंड दे विच भेज दिंदे आ। सो कपड़ा ऑर्डर करने लिए shahipagturban.com ते जाओ या फिर turbancenter.com ते जाओ। जिहड़े मेरे वीर इंडिया तो बाहर रहिंदे ने उन्होंने 98038 2228 उपर कॉन्टैक्ट करके अपना जिहड़ा ऑर्डर बुक करवाउणा है। सो बिना तुहाडा टाइम ज़ाया करदे होइआं चलदे हाँ अज्ज की अपनी वीडियो वल, जिहदे विच तुहानूं दस्सांगे कि मोरनी पग नूं क्रिएटिव लाइनां दे विच किद्दां बनणा है एंड ओह वी 6 मीटर दे विच। कहिंदा मतलब 5 पल्लिआं नूं इदां डबल बना के बहुत ईजी वे दे नाल तुसीं सोहणी जी क्रिएटिव मोरनी पग किद्दां बननी है। सो शुरुआत करदे हां एंड इहदे उप्पर सोहणी जी झाकी पाउंदे हां। पग दी पूनी करन लई कच्ची तार खब्बे पासे, पक्की तार सज्जे पासे रखनी है। इहनूं असीं दरवाजे दे कुंडे नाल, पौड़ियां दे ग्रिल दे नाल जां फिर किते वी तुसीं इहनूं अटका सकदे हो जां बन्न वी सकदे हो जां फिर अपने घर दे किसे वी मैंबर नूं पकड़ा सकदे हो पल्ला। इत्थों असीं 2 गिठां दूर रखनी है, 2 गिठ दूरी मतलब कि 1 हथ दी दूरी हुंदी है अंगूठे तों लै के चीज़ी तक, ते 2 गिठां दी दूरी रखनी है। इत्थे आ के असीं नॉट मारनी है, सिंगल नॉट, सिंपल नॉट हुंदी जिहड़ी, सिंगल गठ कह लो जिवें। ते ध्यान रखना है कि जिहड़ी असीं कच्ची धार खब्बे पासे रखी सी उह खब्बे पासे ही रहे, जिहड़ी पक्की धार सज्जे पासे उह सज्जे पासे ही रहे। उस तो बाद असीं दस्तार नूं खिच्चदे हां पिछे आ जाणा, पग नूं खिच के पिछे लै आउणा, पिछे आ के कॉर्नर तों पूरा खिंचणा है, प्रॉपर कॉर्नर तों। हुण जिधर असीं खड़े हां इधर एक साइड फड़ांगे सिउण तों, दूजी साइड उहदे बिल्कुल ऑपोजिट कलार के वारी वारी फोल्ड करांगे। पहलां खब्बा पासा पाउणा दूर वाला, फिर नेड़े वाला पासा पाउणा, हल्के हल्के दोनों पासे फोल्ड करते हुए पिछे तक आवेंगे, दोबारा पिछे आके दोबारा खिंचांगे पर झटका नहीं मारेंगे, आराम नाल खिंचना है। हुण जिधर असीं खड़े हाँ जिवें मैं खब्बे पासे खड़ा है लैफ्ट साइड से, तो पहला लैफ्ट साइड तो पल्ला फड़ांगे दैन असीं राइट साइड तो फड़ांगे। तो शेक करना जरूरी है, शेक करना क्यों जरूरी आ, क्योंकि दस्तार के जिन्ने भी पल्ले ने या कह लो कि पग दा जिहड़ा कपड़ा आ वह सारा हिल के थले आ जाए, थले वाली साइड मोटी हो जाए, उपरली साइड बरीक हो जाए। सो इस करके असीं इहनूं शेक करना, तो इस तरीके असी जिगजैग करते हुए तय लैके जानी है, पुट्ठा सीधा तय करांगे। जे तुसीं प्रॉपरली जिहड़ी टैक्नीक दे नाल पौनी देखना चाहुंदे हो तां साडे चैनल दे विच जाके यूट्यूब ते सर्च करो पग दी पौनी, ठीक है जी, जां फिर तुसीं उपरले लिंक ते जा सकदे हो। इत्थे आके तुहानूं जिहड़ी पग दी पौनी दा जिहड़ा लिंक मिल जाएगा, गठ खोल देंगे, उहदे विच थोड़ा जिहा ज़्यादा एक्सप्लेन किया होया है कि पग दी पौनी किद्दां करीदी है, पर करना दी इदां ही है, सेम ही है, थोड़ी मिणती गिणती जिहा ध्यान उत्ते ज़्यादा दिता होया। सो उहनूं जरूर देखियो, किसी भी चीज़ की शुरुआत बेस तो हुंदी है, सो दस्तार दे थले बेस बनाउणा बहुत जरूरी है, ते कि बेस भी जिहड़ा है मर्यादा विच बनाउणा है, सॉफ्ट जूड़ा करके उपर तुसीं पटका, परना, केसकी कुछ भी बन सकदे हो, तुहाडी मर्जी है। जिवें कि हुण तुहाडे सामने असीं केसकी बनन जा रहे हां, 1 मीटर की केसकी है, इहदी तुसीं वीडियो देखण लई कि इहनूं किद्दां बनीदा तुसीं उपरले लिंक ते जा सकदे हो, इत्थे टॉप दे उपर लिंक हैगा है, ठीक है जी, उपर लिंक ते जा सकदे हो, उत्थे जा के तुहानूं पता लग जूगा कि बेस जिहड़े ने किन्ने तरीके नाल तुसीं बना सकदे हो, ते तुहाडे केसां दे मुताबिक तुहाडी लोड़ दे मुताबिक उत्थे बेस बनाउणे दस्से होए ने अलग अलग तरीक़ों नाल। सो तुसीं उहनां नूं उपर देख के अपने सीधे हिसाब के नाल बेस सिलेक्ट कर सकते हो। एक तो बेस हो गया, दूसरा केसा की संभाल, कि मेरे वीर कहते हैं कि जोड़े वाल ने किदा मैनेज करने ने, ठीक है जी। सो ये जो दो जी वीडियोज़ ने उपर तुसी लिंक ते लै सकते हो, जिमें तुहाडे सामने असीं केसकी सजा रहे हैं तो केसकी दे विच ही 50 बना दिती है, दस्तार की शुरुआत करांगे।
जिमें कि तुहानू पता है कि दस्तार अपनी ड्राई है, पानी नहीं लाया इनू, तो बननी भी असी मोरनी रुक दे विच है। सो पहला ध्यान रखना है कि अपना जिहड़ा पल्ला है वह किदां फड़ना है। 6 मीटर की दस्तार है तो पानी लाउंदे होया इहनू इत्थे इन्ना लंबा फड़ीदा है, तो पानी तो बगैर जिहड़ा तुसीं थोड़ा छोटा फड़ सकते हो क्योंकि दस्तार च जगफ ज़्यादा आ जाता, सो इस करके पल्ला छोटा फड़ सकते हो। फैला फैला डबल करके लावांगे, ते डबल दे विच भी दो फले बनावांगे। फैला नू फोल्ड कर लांगे सेंटर चों डिवाइड। इतों डबल ये पहले थोड़े नेड़े रखने हैं, ध्यान रखना है नेड़े रख के। अद्धी अख अद्धी गल अद्धा कन्न कवर करना ही करना है। पल्ला लगाते हुए आपको होना आपको होने का यह फायदा होएगा कि तुहाडी दस्तार की जिहड़ी फोनी है खराब नहीं होएगी, सो ध्यान रखना है। नैक्सट पल्ला कंतूचा लावांगे, इत्थे आकर डबल करना है सेंटर डिवाइड, तो डिवाइड का ध्यान रखना कि डिवाइड तो अभी पिछे कर लेना इतना फला साफ करके। पिंच करेंगे सिंपल साफ करेंगे फला पूरा फला तैयार करके, वारी वारी तैयार करना है, काली कोई नहीं करनी क्योंकि ये वाला स्टाइल थोड़ी दस्तार तो टाइम मंगेगा हल्का जहा, थोड़े को भी टाइम लगेगा, तुसी इन्हें बहुत ही प्यार नाल आराम नाल सजाना है। कोशिश करनी है कि दोनों पल्ले एक बार च फड़ो जिवें तुसी देख रहे हो, दिन उपरों इकट्ठा कर दो हल्का जहा, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि मोरनी पग दे विच थले वाले पल्ले एज ए बेस की तरह वर्क करते हैं, तो थले वाले पल्ले मजबूत होणगे तां उपरले पल्ले अपने आप ही सही लगणगे। ठीक है, पिछों दस्तार दबा के सही कर ली। नैक्सट पल्ला लावांगे बिल्कुल ये बराबर टॉप ते, तुसी हथां दी पोजीशन देखिया करो कि कित्थे कित्थे लाउणे पल्ले, दैन असीं इत्थों डिवाइड करांगे इहनूं पल्ले नूं, डिवाइड करना है पिछों ही बैक साइड तों। पूरा पल्ला साफ करांगे तैयार करके, दैन सिंपल अंगूठा लावांगे थले वाले पास्यो, इहदे विच इहदा चुंडी नहीं लगेगी, सिंपल अंगूठा लगेगा कल्ला थले वाले पास्यो, उपरों कुछ नहीं करना, ध्यान रखना है। ये पल्ला क्योंकि टिकाउण वास्ते है,
तन आप जी ने साफ करके एक अंगूठा होर लाना है, कहना मतलब कि एक पिंच होर लाना है, जिन्हें चुंडी कहें, हल्की चुंडी लानी, हाफ चुंडी है, प्रॉपर इदा दबा के चुंडी नहीं है। पल्ले सैट कर लेने ने, आप जी देख सकते हो कि असं उपरों किदा पल्ले जड़े आ टाइट कर रहे हैं, नाल दी नाल शेप बनाई जानी है। ये तीजा पल्ला सी, सोपरली साइड तो खास ध्यान देना है कि टॉप साइड तो ये चौड़ा करके लाना है, क्योंकि ये उपरला पहला पल्ला आ, जिवें इस साइड तो पहला पल्ला आ वाला है तो नाल दूजा आ, इस साइड तो यह पहला पल्ला है। नैक्सट पल्ला लावांगे, पग बंधे होया आप घूमने का फायदा होंगे कि पग की पूनी खराब नहीं होंगी। अगला पल्ला लावांगे सेम उस तरीके नाल, पहले पल्ले दे नाल। तुसी एक गल नोटिस की होनी है कि पहला असं पल्ला उपरों सैट करते हैं, बाद थले खिंचते हैं, तो यही इहदी टैक्नीक है लाउण दी। सैट करांगे इत्थों, असी डिवाइड करना शुरू करांगे, पल्ला डबल करांगे इत्थों, ध्यान रखना है इस तरीके नाल, एंड ये डबल करते हुए अगे तक तुसी आना है। उपरों पल्ला सैट कर लिया, दैन थल्ले सिंपल पिंच, अगेन साफ करके दूजा पिंच, दूजा पिंच सिर्फ थले वाले पल्ले लाना, उपरले पल्ले लाने की लोड़ नहीं है, क्योंकि तुसी उन्हें पहले ही मोटा करके साफ किया होया। आ देखो दो पल्ले होंगे ना, एक आ थले वाला पल्ला, उपर वाला, ठीक है, थले ने दूजा पिंच लाना है खिंच के, बहुत ही प्यार ना टच देना है, तो पल्ला खराब नहीं होने देना, ध्यान रखना है। तुसी देख रहे होवोगे कि इस साइड तो असी दस्तार के जिहड़े पल्ले ने जां इह वाला लेयर है, जिवें लड़ कह लो, काफ़ी ज़्यादा मैस जा पिया, काफ़ी ज़्यादा वट ने, ये वालों असी घबराना नहीं है, क्यों, क्योंकि अखीला पल्ला जिहड़ा असी लाउणा ना वो बिल्कुल साफ पल्ला लाउणा, उहदे दो पल्ले नहीं बनाउणे, एंड उस पल्ले ने ये सारे जिहड़े अपने वट ने ये लुको लेने ने, हाइड कर लेने ने। हुण काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहिंदी आ, तुसी साडे कमेंट बॉक्स दे विच आम ही देखिया होएगा, तो जिहड़े मेरे वीर ने कमेंट किए ने उन्होंने पता आ कि पल्लिया सफाई नहीं आती, तो किसी भी लड़ नूं तुसी खिंच के इदा डबल कर दोगे तो वह मोटा हो जाएगा, तो जिहड़ा पल्ला मोटा होएगा वह साफ भी जरूर होएगा। आप जी देख सकते हो कि हजे पल्ले असी सिलाई नाल यूज करके साफ नहीं किए, ये पल्ले बहुत सोहने बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा सफाई आ जाती है, एंड लुक भी इस स्टाइल की बहुत सोहनी आती है। सो खीला पल्ला एक गेट के बीच भी चौड़ा करके पहला टॉप से लावांगे, टॉप तो सैट कर लेना है, सारे पल्ले साफ, उपरों मोटा, थले पतला रखना है, पिंच करांगे सिंपल पिंच, द वेरी सिंपल पिंच, अखीला पल्ला लाने तो पहला असी 50 छोटी कर लेनी हल्की जी। ये दो तरीके होंगे ने छोटी करन दे, एक तो इन तुम बाद जिवें पल्ले साफ किए ना इदा फोल्ड कर दोगे तो थले मोटी जी हो जाएगी, तो उदा भी कर सकते हो, तो एक साइडा तो इदा चक के इन उच्ची कर सकते हो। सो साइडा चकना जो थोड़ा तरीका जो वधिया रहिंदा, क्योंकि थले बरीक रहिंदी है, ठीक है जी। तो हुण लावांगे अपना असी कलगी वालड़, तो पहला असी पिन लाउणी है नोज़ के सेंटर तो थोड़े जिहे अगे जिथे असी आलड़ लाया, एंड पिन देखो तुसी थोड़ी जी नीचे उपर लाउणी है, हाँ।
अखीरला वाला लाने कलगी वाला इन पहला खोलांगे दोनों साइड्स तो। दैन असं पहला टॉप ते लवांगे, ध्यान रखना है तरीके ना लाना थोड़ा जिनू। सेट कर ली आप जी ने सब तो पहला उपरों पला खोल के, उस तो बाद आप जी ने हाथ से नाल पहला पला चुक के नाल दे नाल हाथा नाल ही फिट करना। ये हाथा ना फिट करने नाल ये फायदा होएगा कि तुसी जान पाओगे कि पला कितने कितने तुसी फिट कर देता है ते कितने कितने रहन दे रहे चांसेस होंगे नहीं ते वो ध्यान रख लेगा। दैन असं इस तरीके नाल दूजी साइड तो पहला पला चुक के फिट करांगे पला। ध्यान रखना है कि उपरों कोई पला जड़ा मिस ना हो जाए तो जेडे बाकी पले है उन्होंने हल्का हल्का हाथ फेर के होर भी ज़्यादा वधिया तरीके सफाई दे देवांगे जिनी अपन लोड़ है। मेन अपनी दस्तार दे विच यही गल है कि जिन्ना असी टाइम दे देवांगे उन्नी सफाई ज़्यादा हो जाऊगी। ठीक है जी, तो जे तुसी थोड़ा रश करोगे तो तुसी इन्हें इदा भी रहन दे सकते हो, तुहाडे मन की संतुष्टि है कि चलो ठीक है ओके। ठीक है जी, सो तुहाडे पर डिपेंड करता है कि तुसी अपना मन कित्थे टिकाउणा चाहुंदे हो, कि इस तो भी ज़्यादा होर सफाई चाहुंदे हो तो टाइम लगा लो जे तुहाडे कोल है, अदरवाइज़ इहदे विच जिहड़ी संतुष्टि है पूरी हो जाती है। ठीक है ना, पिछला पला दोनों पासे इदा तय करके लवेंगे जिवें असी पग दी पूनी करते हैं उवें दोनों पासे पले तय करने हैं। पहला सीधा खिंचांगे तो सेंटर च पा के बाकी सारा साइड से लैफ्ट साइड से ध्यान रखना क्योंकि लैफ्ट साइड से स्पेस ज़्यादा होंगी इस करके। तुसी इस पोजिशन पर आके जो तुसी सारी दस्तार सजा लोगे तो तुसी सिलाई की वरतों ना जिथे तुसी सिर ढक गया है उत्थे हल्का हल्का इदा सिलाई नूं फेर भी सकदे हो। सो मेरे प्यारे दोस्तों, गुरसाह की कृपा नाल असी दस्तार सजा के रेडी हो चुके हैं एंड इनू कहिंदे ने मोरनी पग क्रिएटिव, जिवें तुसी क्रिएटिव मोरनी पग भी कह सकते हो। ये पांच लड़ां दे विच पग है, 6 मीटर इहदा साइज़ है, फुल वैल की पग है, बिना पानी तो बन्नया इनू ते विचकार सिलाई लगी हुई है। जे तुसी ज़्यादा जानकारी लेना चाहुंदे हो कि पग दा कि कपड़ा किदा है ते किदा तुसी इन परचेज़ करना है तो साडे डिस्क्रिप्शन बॉक्स तुसी जा सकते हो ते उत्थे तुहानू इक पग दा कपड़ा भी तुहाडे घर तक डिलीवर किया जा सकता है।
सो जे तुहानूं वीडियो पसंद आई है तां तुसीं वीडियो नूं लाइक जरूर करियो ते कमेंट करके जरूर दस्सियो कि तुहानूं इह पग बन के किदां दा फील होया ते अपनी पग बंधे होए दी वीडियो बना के shahipagturban.com दे उपर जरूर अपलोड करियो। सानूं बहुत खुशी होवेगी कि साडी मेहनत तुहाडे जिहड़ी काम काफ़ी आ रही है। सो इस तरीके नाल गुरु साहिब दी कृपा नाल वीडियोज़ लैके हाजिर होंदे रहांगे ते जे तुसीं चाहवान हो कि इस तरीके नाल सोहणी सोहणी पगां दी असीं वीडियो तुहाडे लई लैके आउंदे रहिए तां साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करके रखो। मिलदे हां अगली वीडियो दे विच, उन्नी देर तक लई सानूं दे इजाज़त। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।